रॉबिन। अरे एंजेला के अंदर भूत देखा यार। भूत कहाँ? भूत एंजेला को देखा, उसकी आंखें बदल गई, आवाज बदल गई यार, भारी हो गए। क्या बकवास कर रहा है? और उसके बाल हवा में उड़ने लगे यार, बाल हवा में उड़ने लगे। वो उड़ने से वो क्या तिलक नहीं है? उतारने के लिए बोलने लगे यार। क्या कह रहा है रॉबिन? बोल रहा वो अगर मैं थोड़ी देर घर पर रुकता वो मुझे पकड़ डालती यार। क्या कह रहा है रॉबिन? जरूर तुमने कोई खतरनाक सपना देखा? नहीं नहीं, सपना नहीं देखा। सपना नहीं देखा, हम डिस्को जाने के लिए तैयार हो रहे थे और तभी वो बोली कि वो बहुत सालों से डिस्को नहीं, जबकि हम तो हर महीने डिस्को जाते हैं यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह हेलो मिस्टर रॉबिन। नहीं, मैं उसका फ्रेंड सैंडी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर पवार। रॉबिन को फोन दीजिए, उनके घर के टेरेस से गिरकर एक डिलीवरी मैन की मौत हो गई। मौत? अबे पुलिस का फोन है, तेरे घर पे कोई मौत हो गई है। हेलो मिस्टर रॉबिन, आप जल्द से जल्द अपने घर पहुंचिए, यहाँ किसी की मौत हो गई है। बहुत बहुत लीजिए, अपनी वाइफ से बात कीजिए। हेलो रॉबिन, रॉबिन कहाँ? रॉबिन यहाँ कोई मर गया है। रॉबिन प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ। मैं आ रहा। ये आदमी कैसे मर गया? ये यहाँ पेंटिंग देने आया था, मुझे घर में अकेला देख के ये घर के अंदर घुस गया और उसने मेन डोर बंद कर दिया। मैंने बचने के लिए टेरेस पे भागने की कोशिश की, ये मेरे पीछे पीछे भाग रहा था तो पांव स्लिप हो गया और ये गिर गया। ये मर गया रॉबिन, पहले से नहीं मारा है। मिस्टर रॉबिन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सचमुच में एक हादसा है और इसमें आपकी वाइफ एंजेला की भी कोई गलती नहीं है। इन पेपर में साइन कर दी। सर रॉबिन, आप इस शहर में नए हैं इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यह शहर हादसों का है, इस शहर में अपने बीवी को अकेले घर में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखो इसका। जैसे भी सबसे क्या ये मर्डर है, मर्डर, और इन दोनों मर्डरों की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी। मुझे उस घर में जाकर देखना चाहिए।
रॉबिन, आप सुबह से बड़े चुप चुप लग रहे हो। एक सवाल का जवाब दो भी एंजेला। तुम सवाल पूछने से पहले परमिशन कब से लेने लगे? वो डिलीवरी मैन की कैसे हुई? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं नहीं, शक नहीं है। वो तू मुझसे कुछ छुपा रही हो रॉबर्ट। बीवी पे शक करना अच्छी बात नहीं होती ना। सारी दुनिया से मोहब्बत करोगे तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करोगे तुम्हें स्वर्ग जल्दी मिलेगा। चलो अब सो जाओ, बहुत रात है। चोरी करना भी अपने आप में एक बड़ी कला है। लोग समझते हैं इसमें कोई मेहनत नहीं। अरे भाई, जब करोगे ना तब पता चलेगा कि इस काम में भी बड़ी मेहनत है। पता लगा बलवंत, तेरे यार जगताप का और इस घर में हुई दूसरी मौत का आपस में क्या संबंध है? अरे ये मिरर यहां पर कैसे आ गया? ये मिरर जहां जहां पर जाता है वहां कोई ना कोई मौत हो जाती है। कहीं इस मिरर में ही दोनों मौतों का रास्ता नहीं छिपा है? जरूर जरूर इसी मिरर में कोई राज छिपा है। मुझे एक बार इसे फिर से चोरी करना पड़ेगा। चल मिरर, एक बार फिर से चला इन्हें, एक बार फिर से चोरी करना मेरी किस्मत में लिखा है। ये तो होली वाटर है और सारा इस कपड़े पे आ गया। हे भगवान, सॉरी गॉड, मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मुझे लेकर नहीं जा सकते, लेकर नहीं जा सकते। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 एंजेला, ये क्या हो रहा है तुम्हें? एंजेला, मैं एंजेला नहीं, मैं एंजेला नहीं, रावती हूँ।
यानी रॉबिन, तुम ये कहना चाहते हो कि उस रात एंजेला की सिर्फ आवाज नहीं बल्कि उसका चेहरा भी बदल गया था और उसके फेस में तुम्हें कोई और नजर आ रहा था? यस, एग्जैक्टली यही हुआ था यार। और तो और, वो हमें जो मिरर मिला था ना घर के बाहर, वो भी अपने आप घर से गायब हो गया है। अपने आप? यस, हु माइट हैव टेकन इट। ओह गॉड, तुम्हारी ये कहानी तो मुझे हैरी पॉटर की कहानियां याद दिला रही। अचानक से किसी का बदल जाना, आवाज चेंज होना, किसी और की शक्ल दिखना, और तो और ड्रामेटिकली मिरर का अपने आप गायब हो जाना। ग्रेट, मार्वेलस। यार सैंडी, इट इज नॉट फनी एनीमोर यार, मैं सच बोल रहा हूँ। रॉबिन, 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 तुम्हारी इन सब बातों का यकीन करेगा कौन? क्या हुआ रॉबिन? ये वही तस्वीर है जिसका चेहरा कल आपको अंजिला के चेहरे से बदल गया था। ऐसा कैसे हो सकता है रॉबिन? ये बहुत पुरानी मॉडल है और बहुत फेमस भी थी। इरावती नाम है इसका। यही नाम बोल रही थी वो, इरावत। मैं एंजिला नहीं इरावती हूँ। इरावत, क्या इससे इसे मिल सकता हूँ मैं? और उससे कोई नहीं मिल सकता। क्यों? उसे मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। का मतलब मेरा थॉट 100% सही था यार। छोड़ो मुझे, तुम नहीं ले जा सकते मुझे यहाँ से, तुम नहीं ले जा सकते मुझे यहाँ से, छोड़ो। एंजेला के अंदर इसी लड़की का भूत था। ओहो, फिर भूत, स्पिरिट, यार ऐसा कुछ नहीं होता। यार सैंडी, सबसे पहले तो तू मेरी बातों का विश्वास करना थी, तभी तुझे मेरा विश्वास होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तू देख, सबसे पहले ये सोचो कि मैं कभी इरावती से मिला नहीं, और तो और मेरा इस प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई आए मुझे अभी चंद रोज ही हुआ, फिर मैं अभी सब कुछ इतना मैं कैसे जानता हूँ यार? ब्रो, आई स्वेयर मुझे तुम्हारी बातों में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये बता, इसकी मौत कैसे हुई? इसकी मौत के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता। हाँ, उन रोज अखबारों में छपा था कि उसने अपने बंगले के टेरेस से जंप मारकर सुसाइड की। और उसी तरह जिस तरह हमारे घर का टेरेस है डिलीवरी मैन की मौत हुई थी। रॉबिन, कूल डाउन। देखो सैंडी, मुझे यकीन हो गया कि यह सब कुछ इरावती की आत्मा ही कर रही है। और अब तो मैं ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी मौत नॉर्मल नहीं थी, उसकी सुसाइड के पीछे जरूर कुछ कहानी थी यार। अगर हमें इस कहानी को सॉल्व करना है तो हमें उसकी सुसाइड का राज पता करना ही होगा। लेकिन ये राज हमें बताएगा कौन? तो उसके किसी फैमिली मेंबर का नंबर निकाल सकता है। फैमिली मेंबर? बोलो ना, बोलो। हाँ, उसके हस्बैंड हैं आदित्य धनराज, और सुना है आजकल वो मुंबई में ही है और उस बंगले को सेल करना चाहता है, शायद वो मिल जाए। उसका नंबर ढूंढेगा? नंबर बोलना यार। देखना, मैंने लिया तो था, एक प्रॉपर्टी डीलर से लिया था, सोचा था कि उसकी तस्वीरों की जरूरत पड़ सकती है। नंबर है 9977349290। यार रॉबिन, तू कर क्या रहा है? तू देख तो सही। हेलो, मिस्टर आदित्य धनराज। सर, मैं रॉबिन बोल रहा हूँ। कौन रॉबिन? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आज की तारीख में आपकी पत्नी इरावती के बारे में कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो आप भी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, मैं सच बोल रहा हूँ। इरावती को मरे हुए 3 साल हो गए, लेकिन उसकी कहानी आज 3 साल बाद भी जिंदा। ये सब बकवास है। तुम चाहते क्या हो? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर। ठीक है, कल शाम 8 बजे। अपॉइंटमेंट मिल गया, कल 8 बजे आदित्य धनराज के बंगले पर जाना। अब देखो,
एरावती की आत्मा आगे क्या करती। वाह चमेली, आज से तू गजब की सुंदर लग रही है, नजर ना लगी तुझे किसी की। मेरी टेम खुटी कर ले, देख बलवन, अभी यहाँ के धंधे कटा, और मेरे को ना तेरी ये प्यार मोहब्बत की बातें खत्म नहीं होती। तू जानता है मेरे चमेली धंधे वाली है, और अगर मैं प्यार मोहब्बत करेगी तो अपने धंधे की तो वाट लग जाएगी। इसलिए तू खाली के लिए मेरा दिमाग मत खराब कर और चल चल फूट इधर से। तेरे साथ मेरे को देखेगा ना तो सच का चमेली बिजी है, और फिर कोई ग्राहक भी नहीं आना। तू जा, जा तू। चमेली समझती क्यों नहीं? चमेली वो कुछ नहीं समझता। कल रात को जो तू इधर इस चादर में बांध के क्या लाया? ये मुझे मेरा पर्सनल सामान, और तुम्हें तो खोलना मत। कैसे ले जाऊंगा ना? हाँ? तू फिर रात को इधर आएगा? ये तेरे को कोई काम धंधा नहीं है क्या? तू फिर इधर रात को आएगा? बस थोड़े टाइम के बाद चमेली दादी, तू मुझसे इतने नाराज क्यों होती है? चल मैं जाता हूँ। अब सुन ना, वो इस फ्लाइंग वाला किस दो ना, जल्दी हलकर आता हूँ। बातें तो ऐसे करता है जैसे तू बीबी है उसकी। मेरे इस घर को स्टोर रूम समझ रखा है, सारा कचरा इधर ही डाल। अभी अपन इसको ठिकाने लगा, धंधे का टाइम है, ग्राहक लोग आएगा। पता नहीं क्या भरा है। ये तो हल्का दिमाग खराब करके गया, ऊपर से ये सब। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे वाह जियो बलवन, आज तो तगड़ा हाथ मारा है। जब इन नोटों की हरियाली चमेली देखेगी ना, वो भी खुशी से झूम उठेगी। चल तू चीज बड़ी है मस्त। वाह बलवंत, अब तो रात में डर भी लगने लगा है, लेकिन मैं उस आईने का क्या करूं? और उस आईने का उन दोनों मौतों से क्या संबंध है? रफ्तार पीबीबी कह रहे थे कि वो आईना अपने आप घर से गायब हो गया, लेकिन इतना बड़ा आईना अपने आप घर से कैसे गायब हो सकता है? कहीं उस आईने में ही तो भूत नहीं? भूत? चलो देखता हूं कि वो आईना चमेली क्या क्या गुल खिला रहा है। मेरे को तो लगता है ये बलवंत की पुनौती है। जब भी उसके कदम टपरते कमरे में, कि पूरी रात एक कस्टमर नहीं आता, वही तक नहीं हुआ आज। साला मेरा धंधा मंडा किया और कहता है कि मेरा सामान मत छूना। अब तो चमेली देख के रहेगी कि इसमें है क्या।
मेरे को बोलता है सामान मत छू। क्या है इसे? और तुम्हें देख के रही साथ मेरा धंधा चौपट किया और मैं उसकी बात मानू? देवा रे देवा, कितना सुंदर आईना है। पहली बार तो कुछ अच्छा सामान लाया था, लेकिन इसने मुझसे सुबह की क्यों रखा था? अच्छा, अब आई बात समझ में। जरूर वो आज रात मुझे कुछ सरप्राइज देने वाला होगा। आई रे मेरा बल्ब। चमेली, इस आईने में तो तू कयामत लग रही है, कयामत। अब यकीन हुआ कि बलमन तुझसे बहुत प्यार करता है। अब तुम्हें इस आईने को कचरे में फेंक दूंगी और उसके बाद हर दिन इसी आईने में चमेली अपना चेहरा देखेगी। बंद हो गया, लेकिन आज पीटर अपनी चवेली डालिक के साथ बैठ कर पिएगा। शायद तुम्हारे खूबसूरत आंखों से कुछ और इंद्रताल। लेकिन चवेली डालिक तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलूंगी, जाओ पहले दरवाजा बंद करके आओ। दरवाजा खुलवा भी बंद करके आओ। चमेली डाल आओ आओ आओ। लगता है फिर किसी कस्टमर के साथ है। अरे चमेली डार्लिंग, तुम्हें कोई और छूता है ना तो मेरा दिल दुखता है। चलो देखते हैं किसके साथ है। पीटर अपने चवेली डार्लिंग के साथ बैठ के पिए। अरे पीटर, ये हरामजादा फिर से यहाँ पर आ गया। साला नशेड़ी। सारी टच मत करना, सारी टच मत करना। योदा, चमेली किधर गई? मैं ही चमेली हूँ। तुझे देखकर मुझे बिना पिए ही चढ़ गई, इसलिए तू अलग अलग सी दिख रही है। लेकिन एक बात बताऊ, अब तू पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। ये ले, तू भी पी ले। पीने के बाद शायद तुम्हें भी मेरे अंदर कोई सलमान खान जैसा स्मार्ट आदमी नजर आ जाए। ये जरूर सब इस पैरर की वजह से हो रहा है।
उस आईने की वजह से हुआ, उसी आईने की वजह से। मैंने उस औरत का फोटो उस बंगले में देखा था जहां से मैंने ये आईना चुराया था। बलवंत, इस आईने को बंद कर, बंद कर इस आईने को। बलवंत, ये कौन सी आफत मैं उस बंगले से चुरा कर लाया? पवन सुतरामा बजरंगी जगवन मैं अभी आया, वो अपना सामान लेने आया था ना। क्या सामान? ये तू लेके जा रहा है? मैं बाद में आता हूँ। पहली बार कुछ लाया जो चमेली को भाया वो भी लेके गया ना मेरे बाबा। ये आईना मैंने इसी बंगले से चुराया था, आज इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ, सारा किस्सा खत्म। अरे यार, तू यहाँ क्यों लेके आया रॉबिन? तुझे मालूम है ना, आदित्य धनराज आधा पागल है, उसने हमारे साथ आज को उल्टा सीधा कर दिया तो हमारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। तू टेंशन क्यों ले रहा है? आज ये इरावती का किस्सा खत्म। इरावती भूत है ना, और मरे हुए कौन मार सकता है? अरे मैं हूं ना, तू देखता जा, आज की कहानी खत्म करके ही जाऊंगा। चला आ। अरे तूने यहां पर क्या कर रहे हैं? और ये इरावती को कैसे जानते? कहानी में कोई नया पात्र है, चलो चलकर देखता हूं। कौन है तुम? कल आपसे फोन पर बात हुई थी। मैं रॉबिन, इज माय फ्रेंड सैंडी। क्या कह रहे थे तुम कल फोन पे? कि तुम्हें इरावती मेरी बीवी के बारे में कुछ सीक्रेट्स मालूम जो मैं भी नहीं जानता। मरने के 3 साल बाद भी वो जिंदा है, मर के भी मरी नहीं। क्या बकवास है? ये सच है, आपकी बीवी की आत्मा आज पूरे शहर में कत्ल करती फिर रही है। ये देखिए, मेरी पत्नी की जिस्त में आकर आपकी पत्नी की आत्मा ने एक डिलीवरी मैन का मर्डर कर दिया। आत्मा? What rubbish! क्या बकवास! चलो कुछ देर के लिए अगर हम मान ले कि इरावती की आत्मा है, पर है तो वो ये मर्डर क्यों करी? यही रास्ता हमें जानना है सर, जरूर इरावती की मौत की कहानी से इस किस्से का भी कुछ लेना देना है। इरावती की मौत की कहानी कैसी कहानी, क्या मतलब? सर, इरावती ने सुसाइड की थी। हाँ, और इसके बारे में सबको पता है, हर न्यूज़पेपर में, हर टेलीविजन चैनल पे ये न्यूज़ थी। बट सभी लोग ये नहीं जानते कि उसकी सुसाइड का रीजन क्या है। वो इरावती की कोई पर्सनल प्रॉब्लम। She was not happy in her career, but she was a successful model. कामयाबी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है मिस्टर। ग्लैमर की दुनिया बहुत चकाचौंध होती है मिस्टर।
लेकिन वो जितनी रंगीन दिखती है उसके पीछे उतना ही अंधेरा होता है। वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, आउट ऑफ वर्क हो गई थी वर्क रिजेक्शन को, और वो नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को भी कुछ भी भनक भी पड़े। इन एनी केस मैं ये सारी बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? नहीं, आई मीन तुम लोग ना तो पुलिस डिपार्टमेंट से हो ना ही मीडिया के हो, मुझे नहीं बताना, शायद मेरी मजबूरी हो सकती है। देन व्हाई एम आई इवन एंटरटेनिंग यू गाइस? लेकिन गेट आउट। बट सर, आ जाइए आप लोग, जस्ट गेट आउट। एक्चुअली सर, आउट यू गो, बट गेट आउट ऑफ माय हाउस। भाग जाओ, जाओ। ये सच कह रहे हैं सर। अब तुम कौन हो? ओ, तो तुम भी इनके साथ मिले हुए हो? नहीं सर, मैं इन दोनों को नहीं जानता। झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, भगवान का सर, मैं, मेरा नाम बलवंत, मैं चोर और मैं लोगों के घरों में चोरियां करता हूँ। लेकिन साहब, ये दोनों जो आपकी पत्नी के बारे में कह रहे हैं वो एकदम सच है। आपकी पत्नी की आत्मा आज भी भटक रही, और आपकी पत्नी की आत्मा नहीं, मेरे दोस्त जगदाप और कल रात पीटर का मर्डर किया। क्या बकवास है ये सब? क्या बकवास कर रहे हो तुम सब मिलके? और चलो मान लेते हैं कि अगर ईरावती की आत्मा भटक रही है तो कहां है उसकी आत्मा? कहां है ईरावती की आत्मा? इस वक्त इसी हॉल में। वो मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अरे कहां है इस हॉल में? किधर है? मुझे दिखाई नहीं दे रही। कहां है उसकी आत्मा? वो आत्मा इस आईने में कैद। इस आईने में? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं सर, मैं सच कह रहा हूं। ये ईरावती का आईना। आज से कुछ रोज पहले ये आईना मैं इसी बंगले से चोरी करके ले गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस आईने के रूप में मैं कितना बड़ा संकट अपने साथ लेकर जा रहा हूं। और जैसे ही इस आईने को लेकर मैं बाहर निकला, वैसे ही ईरावती की आत्मा इस बंगले से बाहर आ गई। What rubbish is this? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम सब लोग मिलके मन घड़त कहानियां बना रहे हो। और ये कपड़ा क्यों बांधा है? नहीं हटाओ ये कपड़ा। नहीं सर, मैं देखना चाहता हूँ कि आईना ईरावती का है या नहीं। हटाओ इसे। नहीं सर, ये कपड़ा मत हटाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो मैं नहीं सर, मैं ये अनर्थ करना चाहता हूँ। साहब इसे मत खोलिए, साहब इसे मत खोलिए। साहब ईरावती की आत्मा आ जाएगी और फिर किसी ना किसी का मर्डर हो जाएगा। मैं भी देखूं। कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? कुछ भी नहीं। मैंने कहा था ना इसमें कुछ नहीं है, रमेश। मैंने बोला था ना, कहाँ है आत्मा उसकी? मैं यहाँ हूँ आदित्य। जो अपनी बीवी की सक्सेस और उसकी खूबसूरती से चलता है, जिस खूबसूरती और जिस सक्सेस को देखकर तूने उससे शादी की, और शादी के बाद वही सारी बातें तुझे बुरी लगने लगेगी, क्योंकि तेरी बीवी का रुतबा सोसाइटी में तुझसे बड़ा था। लोग तुझे तेरे नाम से नहीं, ईरावती के हस्बैंड के नाम से जानते थे। ये सब बकवास है, झूठ है सब। कब तक सच से भागेगा आदित्य? फ्रांसिस डिकोस्टा की बर्थडे पार्टी तो तुझे याद ही होगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फ्रांसिस, हैप्पी बर्थडे डियर फ्रांसिस, हैप्पी बर्थडे टू यू। I'm really, really very lucky कि तुम्हारी जैसी
खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की मेरी दोस्त है। यू आर माय लकी चार्म। एक्सक्यूज मी, अब मैं इस पार्टी में एक छोटा सा ट्विस्ट लाना चाहता हूँ। मैं ओके फ्रेंड्स, कैन आई हैव अटेंशन प्लीज। इरावती जैसी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस और सक्सेसफुल लड़की जो आप सब लोगों की दोस्त है, इसे मैं आज अपने दिल का हाल कहना चाहता हूं। इनफैक्ट अपने दिल का एक बहुत बड़ा सीक्रेट कहना चाहता हूं, एंड आई सिंसियरली होप कि ये इसे एक्सेप्ट करें। इरावती, माय लवली स्वीट हार्ट, से शादी करो। मैं वादा करता हूं इरावती कि तुम्हारी इस खूबसूरती को हमेशा संभाल के रखूंगा, और तुम्हें आज जितना प्यार करता हूं जिंदगी भर उतना ही प्यार करूंगा। विल यू मैरी मी प्लीज? Friends, big round of applause for this beautiful couple. May God bind them in eternal happiness and love forever. Lord Jesus, always keep them happy. Amen. क्यों याद आया आदित्य? हाँ? कि किस तरह घुटनों के बल बैठकर तूने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था? शादी के बाद तो जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। तू अपने बिजनेस में पूरी तरह से बिजी हो गया था, और वो बिजनेस जो पूरे तरीके से डूब रहा था, अब तो तुझे मेरा सजना संवरना भी बुरा लगने लगा था। आए दिन मुझे पार्टी के इनविटेशन आते थे, वो भी तुझे बुरे लगने लगे थे। याद है तुझे वो 23 सितंबर की रात, जब मैं इसी आईने के सामने खड़ी होकर पार्टी के लिए तैयार हो रही थी? बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, शेयर मार्केट में बहुत पैसा गवा दिया था उस दिन मैंने। जब मैं घर आया तो ये इसी आईने के सामने पार्टी जाने के लिए मेकअप कर रही थी। जब देखो इस मिरर के सामने खड़ी रहती हो, तुम्हारे मेकअप, तुम्हारी पार्टी से तंग आ चुका हूं मैं। नफरत हो गई तुम्हारे चेहरे से भी मुझे। अरे यहां मुझे बिजनेस में नुकसान हो रहा है, मेरा बिजनेस डूब रहा है, उसकी जरा भी परवाह नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए तुम्हारा मेकअप, तुम्हारी पार्टी से दुनिया है, है? हाँ, यही दुनिया है मेरी। और भूल गया आदित्य, तुमने मुझसे और मेरी इसी दुनिया से शादी की। पहले तो तुम्हें कितना पसंद आता था मेरा यही सजना सवरना, फिर आज अचानक क्या हुआ तुम्हें? या फिर तुम मुझसे जलते हो मेरी इस कामयाबी से, क्योंकि तुम्हें अपनी इंडस्ट्री में तो भला कोई पूछता ही नहीं। तो बस तुम्हारी ये कामयाबी तुम्हारे इस चेहरे की वजह से है ना? तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, हमेशा के लिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? उस दिन अचानक गुस्से में ये सब कुछ हो गया था, हालांकि उसके बाद मैं खुद बहुत घबरा गया था। उसके बाद जो हुआ वो उससे भी भयानक था। उनका चेहरा पूरी तरह से जल गया, जान बच गई यही काफी। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी इज वेरी लेंथी प्रोसेस मिस्टर आदित्य, एकदम से तो हम नहीं कर सकते, बाद में करके देखेंगे। लेकिन एक बात जान लो कि आपके वाइफ की ओरिजिनल ब्यूटी अब वापस नहीं आएगी।
कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरे थे। उस केस को तो मैंने किसी तरह पुलिस को पैसे देकर दबा दिया था, लेकिन फिर वो दिन भी आने वाला था जब तुम हॉस्पिटल से वापस आने वाले थे। तुम्हारे घर आने से पहले मैंने घर के तमाम आईनों को छुपा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम आईने में अपने आप को देखो। फिर वो दिन आ गया जब तुम हॉस्पिटल से घर आए। लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बाद वो दिन भी आ गया जिस दिन तुमने अपना चेहरा देखा। वो दिन सचमुच कयामत से भी भयानक था। सुसाइड नहीं किया था आदित्य, वो मेरा मर्डर था। मर्डर। अगर तुमने मेरा फेस नहीं जलाया होता तो आज मैं जिंदा होती। लेकिन तुम सब मर्द एक जैसे हो। शादी से पहले जिस लड़की से प्यार करते हो, शादी के बाद उसी से नफरत, क्योंकि तुम सब उसे अपने पैरों की जूती बनाकर रखना चाहते हो। इसीलिए मैंने राम बिहारी चकता और पीटर को मार डाला, क्योंकि वो सभी तेरे जैसे मर्द थे। लेकिन सभी मर्द एक जैसे नहीं होते इरावती। ये सब बकवास है। और जब तू मुझसे इतनी नफरत करता है आदित्य, तो तेरे हाथों में ये रिंग क्यों पहन रखी है जिसे तूने जीते जी मेरे लिए नहीं पहना? उतार फेंक इसे, उतार फेंक इसे। नहीं ये रिंग मत उतारना, मार डालेगी आपको। का भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। रोको आते सब, आते सब। इरावती ने अपनी मौत का बदला ले ही लिया।
अरे ये आईना कैसे टूट गया? आदित्य की मौत के साथ इरावती की आत्मा भी शांत हो गई। इरावती की आत्मा बस इसी एक पल के लिए भटक रही थी, लेकिन जाने से पहले एक बात सच कही इरावती ने। बीवी यदि ज्यादा कामयाब हो जाए तो मर्दों से बर्दाश्त नहीं होता।